अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको खलीफी के कैंप का विज़िट करा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे भाई इधर पुराने रह के गुजर गए हैं, इंडियन पाकिस्तानी, केरला के, फिलीपीन के, तो ये कैंप का थोड़ा उनको मैं अभी आज की रूटीन अभी इस टाइम ही बता रहा हूँ। ये बाहर से शुरू कर रहा हूँ, गेट से यानी से नीचे से चलता रहूँगा मैं। ये यहाँ पर सबसे पहले नंबर राइट में मेरा रूम है, इसके सामने किचन है, रूम के सामने में इधर ऊपर वाले जितने भी रूम हैं इनके किचन है, बिल्कुल सामने में दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पे साथ में इंडियंस हैं और इसके साथ में ये दो नीचे फिलीपीनी के रूम है, फिलीपीनियों के। ये देख लें आप पीछे से भी एक बार, दोबारा आपको दिखा देता हूँ बैक साइड से। यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग हैं, रूम है, एमी को तो आप जानते ही होंगे सब। तो चलो आगे चलता हूँ मैं अभी। यहाँ पे मिलियानो का रूम है, फिलीपीनी है। ये आगे ओरलांडो का है, ये पीछे आगे गफूर भाई का। यहाँ पे नीचे पहले हम बहुत सारे पाकिस्तानी शायद वगैरह लोग होते थे, इकट्ठे रहते थे, अभी नीचे हो गए रूम सब। यहाँ पे वो जोन का रूम है, ये जो एंटर है ये भी के साथ। यहाँ पे फ्रीडन है, इधर ये साथ में जावेद भाई का रूम है, और इस साइड पे इधर में रहता है मनोज रूम, मनोज केरले वालों का रूम है पुराना। यहाँ पे अनवर भाई रहता है और यहाँ पे तारक भाई रहते होते थे, अभी फरीदून भाई है और मलक रह गया, अकील भाई रह गया। के साथ ये आपके हमाम, बाथरूम वगैरह, यहाँ पे किचन है सब। ये नीचे वाले रूमों के सब किचन इस साइड पे बने हुए हैं। चलो अभी आगे लेके चलूँगा, आपको बताऊँगा और भी देख लें। ये वही कैंप वही है, पर बंदे हमारे नहीं हैं अभी। यहाँ पे पीछे भी देखो, पहले तो नीचे ये पत्थर वगैरह नहीं लगे हुए थे, अभी लगवा दिए। यहाँ पे बाथरूम मतलब वजू बनाने की जगह, यहाँ पे नए रूम बना दिए थे बाद में खलीफी ने। इसके पीछे में तो ये पुराना ही है, नहीं तीन चार और बाथरूम बना दिए इसने। ये वो सामने अखलाक भाई का रूम होता था कभी कभी, अभी वो भी चले गए, अल्लाह उनको खुश रखे। इस साइड पर नूर हसन का है और आगे बहुत से हिंदुस्तानी भाई लोग, उनका रूम है। पीछे एक पेट्रोल पंप की जो अकोमोडेशन है उस साइड पे, यहाँ पे ये सब इंडियन लोगों का कपड़े धोने की जगह है, वॉशिंग मशीनें सब लगी हैं लाइन पे। आगे इनके इसी साइड पे किचन है, यहाँ पे सब इंडियन लोगों का किचन, खाना बनाने का जो निज़ाम तरतीब होता है। यहाँ से एक बार फिर आपको दोबारा व्यू करवा देता हूँ। सामने वहाँ पे मेनोज का किचन है और जोन का, इस साइड पे हुई है वो जो क्या नाम है उसका, उस्मान का किचन है, उस्मान सुडानी है उसका है। इस साइड पे ये विजय भाई का रूम है और साथ में ऊपर सलाउद्दीन और मामू रहते हैं इस जगह पे, दूसरे नंबर पे। वो ऊपर अबरार भाई का है, सामने में मस्जिद का वो हरा वाला गेट नज़र आ रहा है। इसके साथ में ऊपर एक टैंकी बना दिया नया, बाहर सेफ्टी के लिए, सेफ्टी बाथरूम के लिए। इधर ही सामने पुराना तारक भाई का, फैजून भाई का रूम है। फैजून भाई तो अभी इधर है, तारक भाई चले गए थे। ये देखें यहाँ पे मैं पुदीना भी लगाया हुआ थोड़ा सा, अभी इन्होंने अरशद मलक और फैजून भाई ने इधर में साथ में लगा दिया कोई कद्दू वगैरह का बीज, अभी निकला है। ये इधर भेर का दरख्त है, यहाँ पे ये साइड पे अब्दुल नासिर केरला वाला है उसका रूम है। तो चलें अभी पीछे चलूँगा, पीछे दिखाऊँगा आपको। तो यहाँ से नीचे जितने रूम थे, किचन वगैरह, बाथरूम, सब मैंने बताया आपको दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी कोशिश
अच्छी लगी होगी। यहाँ पे वो सोमरू मोटा मसरी है, उसका रूम में सफाई बिल्कुल नहीं करता है ये बेंच। यहाँ पे ऊपर देखो, वो ऊपर अंजीर का दरख्त लगा हुआ है, ये उसके साथ भी लगते हैं अंगूर है, साथ में खजूर लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये बेर का दरख्त अभी पत्ते निकाल रहा है नया। ये पीछे सारा अकोमोडेशन खलेवी का। यहाँ मस्जिद है। चलो थोड़ा सा स्टोर रूम भी दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आजकल मेरी ड्यूटी है स्टोर में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर नेक्स्ट वीडियो आपने देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, और आप नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा।